और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। पोखरण में बड़ा रेल हादसा टला है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने हुई। लालगढ़ एक्सप्रेस और साबरमती ट्रेन आमने सामने हुई। दोनों ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। घटना का वीडियो भी सामने आया। गोमट रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां दोनों ट्रेन आमने सामने एक ही ट्रैक पर आ गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था पोखरण में। ये बड़ा रेल हादसा टला है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने हुई। लालगढ़ एक्सप्रेस और साबरमती ट्रेन, ये दोनों ट्रेनें आमने सामने आ गई। दोनों ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा रेल हादसा टला है। घटना का वीडियो भी सामने आया। गोमट रेलवे स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। लालगढ़ एक्सप्रेस और साबरमती ट्रेन यहां पर आमने सामने हुई। पोखरण में बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ये ट्रेन हादसा टला है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। गोमट रेलवे स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है, जहां लालगढ़ एक्सप्रेस और साबरमती ट्रेन, ये दोनों ही आमने सामने हो गए। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेन आमने सामने आ गए, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर सूझबूझ दिखाई दोनों ही ट्रेन के लोको पायलट ने, जिसके बाद ये बड़ा हादसा टला है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पोखरण से संवाददाता सीएस दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएस, बेहद अहम है ये, जहां ये बड़ा रेल हादसा हो सकता था लेकिन सूझबूझ से ये रेल हादसा टला, लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे, क्या कहा जा रहा है इसे लेकर? जी श्वेता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गोमट गांव के पास की घटना है। यहाँ पर जो है जैसलमेर से लालगढ़ की ट्रेन आ रही थी, वहीं से पोखरण से साबरमती एक्सप्रेस जा रही थी कि अचानक जो है दोनों ट्रेन आमने सामने हो गई। हो सकता है सिग्नल की गलती हो या किसी प्रकार की, किसी न किसी प्रकार की कोई गलती हो, जिसके चलते ये दोनों ट्रेनें आमने सामने हो गई। गनीमत ये रही कि दोनों लोको पायलटों ने जो है अपनी सूझबूझ दिखाई और कुछ ही दूरी पर दोनों ट्रेनों को रोक दिया। ट्रेनें नहीं रुकती और तेज गति में होती तो बहुत बड़ा रेल हादसा हो सकता था। और आज ये जो इस तरीके की घटना हुई, उससे जो है यात्रियों में भी भय व दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। जी श्वेता, बिल्कुल सही, सामने सामने तेज भिड़ंत होती, बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है सीएस दवे की, लापरवाही किसकी थी, क्या गलती हुई, ऐसा हुआ कैसे, क्या इसे लेकर किसी अधिकारी ने कुछ जवाब दिया? श्वेता, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब घटना हुई, तब इस घटना को दबाने के पूरे प्रयास किए गए। यहाँ पर जो जागरूक जो यात्री थे, उन्होंने इस वीडियो कोशिश की, जब वीडियो बनता हुआ देखा तो दोनों ट्रेनों के जो पायलटों ने हैं और विभाग के जो कार्मिक है, उन्होंने भी इस रेल हादसे को दबाने की कोशिश की। और जब जागरूक नागरिक ने ये वीडियो जो है मीडिया को प्रोवाइड करवाया, तो करीब एक दो घंटे हो गए थे।